अलविदा स्वर कोकिला, लता मंगेशकर का म्यूजिक इंडस्ट्री में अतुलनीय योगदान। 78 साल के करियर में गाए 25,000 से भी ज्यादा गाने। लता मंगेशकर 3 बार नेशनल अवार्ड विनर भी रही हैं। दादा साहेब फाल्के अवार्ड और भारत रत्न से भी उन्हें सम्मानित किया गया। बेहद कम 5 साल की उम्र में काम करना उन्होंने शुरू किया था। भाई बहनों के बेहतर भविष्य के लिए कभी उन्होंने शादी नहीं की। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था। जन्म के समय लता मंगेशकर का नाम हेमा था। पिता ने भावबंधन नाटक से प्रभावित होकर लता मंगेशकर नाम रख दिया और बचपन से ही लता मंगेशकर को गाने का शौक था। 1942 में पिता की मौत के बाद गायकी और अभिनय में करियर शुरू किया। 1945 में बड़ी माँ फिल्म में छोटा सा रोल ऑफर हुआ। फिल्मी ऑफर को छोड़कर संगीत का काम उन्होंने शुरू किया। लता मंगेशकर ने उस्ताद अमन अली खान के शास्त्रीय संगीत सीखा। लता मंगेशकर 3 बार नेशनल अवार्ड विनर भी रही हैं। दादा साहेब फाल्के अवार्ड और भारत रत्न से उन्हें सम्मानित भी किया गया है। तो बेहद कम उम्र से ही उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कर दी थी और भाई बहनों के बेहतर भविष्य के लिए लता मंगेशकर ने कभी शादी नहीं की। लता मंगेशकर का म्यूजिक इंडस्ट्री में अतुलनीय योगदान रहा है। पीढ़ियां उन्हें हमेशा याद रखेंगी। 78 साल के करियर में 25,000 से भी गाना उन्होंने गाए हैं। लता मंगेशकर 3 बार नेशनल अवार्ड विनर भी रह चुकी हैं। दादा साहेब फाल्के अवार्ड और भारत रत्न से भी स्वर कोकिला को सम्मानित किया गया और बेहद कम 5 साल की उम्र से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कर दी थी। वहीं लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को हुआ था। जन्म के समय लता मंगेशकर का नाम हेमा था। वहीं पिता ने भावबंधन नाटक से प्रभावित होकर उनका नाम लता मंगेशकर रखा और बचपन से ही लता मंगेशकर को गाने का शौक था। 1942 में पिता की मौत के बाद गायकी और अभिनय में उन्होंने करियर की शुरुआत की और वहीं 1945 में बड़ी माँ फिल्म में छोटा सा उन्हें रोल भी ऑफर हुआ था और वहीं फिल्मी ऑफर को छोड़कर संगीत में लता मंगेशकर ने काम करना शुरू किया। लता मंगेशकर ने उस्ताद अमन अली खान से प्रेरित होकर लता शुरुआत की अपने करियर की। लता मंगेशकर 3 बार नेशनल अवार्ड विनर भी रह चुकी हैं। दादा साहेब फाल्के अवार्ड और भारत रत्न से भी उन्हें सम्मानित किया गया था। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर को हुआ था और जन्म के समय लता मंगेशकर का नाम हेमा रखा गया था और बाद में भावबंधन नाटक से प्रभावित होकर उनके पिता ने उनका नाम लता मंगेशकर रखते हैं। बचपन से ही लता मंगेशकर को गाने का शौक था।